31 मई को प्रशासन ने जांच हेतु भेजा था सैंपल, जांच में निकला कोरोना। आसपास के सभी क्षेत्रों में अभी तक मरीज मिल रहे थे, जिसमें जलालाबाद पूर्णतया सुरक्षित नजर आ रहा था। लेकिन 18 को मुंबई से वापस आए मोहल्ला बगिया निवासी जमाल मोहसिन पुत्र सरताज हुसैन आज कोरोना संक्रमित निकला, जिससे प्रशासन में हड़कंप मच गया। 18 मई को मुंबई से वापस आए जमाल मोहसिन को मोहल्लेवासियों ने चुपचाप घर में छुपा लिया था। इस दौरान वह बहुत से लोगों से मिला भी होगा। अब इसके संक्रमित होने से पूरे नगर के लोग भय से ग्रस्त नजर आ रहे हैं। यदि बात प्रशासन की जाए तो यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों का रवैया भी लापरवाही भरा रहा है। प्रशासन की लापरवाही का मुख्य कारण यह भी है कि जब कोई व्यक्ति बाहर से आया, उसकी शिकायत प्रशासन से की गई, लेकिन प्रशासन ने उस बात पर ध्यान न देकर उल्टा पीड़ित को धमका दिया, जिसके चलते नगरवासियों ने इसकी शिकायत ही करना छोड़ दिया। आज ये प्रशासन की लापरवाही का ही नतीजा है कि इस व्यक्ति के कोरोना संक्रमित मिलने से नगर में लोग भयग्रस्त हो गए हैं। वहीं नगरवासियों का कहना है कि 18 मई को आया यह युवक पता नहीं कितने लोगों से मिला होगा, कहां कहां गया होगा। प्रशासन को उन जगहों और संबंधित लोगों को चिन्हित कर क्वारंटाइन करना चाहिए।